वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें, इन राज्यों में इस हफ्ते से हो सकती है मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने एक पूर्वानुमान में कहा कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में सोमवार से 29 अक्टूबर तक अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 26 से 27 अक्टूबर तक केरल में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटक में सोमवार और मंगलवार को बारिश हो सकती है, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात होगी। आईएमडी ने केरल के 4 जिलों में 26 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट 6 से 20 सेंटीमीटर बारिश, जबकि येलो अलर्ट का मतलब 6 से 11 सेंटीमीटर बारिश है। 4 जिले जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी ने कहा कि मंगलवार तक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती तूफान भी आने की संभावना है। केरल के कन्नूर और कासरगोड को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच मल्लपुरम और पलक्कड़ जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण कई नदियां उफान पर हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केरल में 15 और 16 अक्टूबर को भारी बारिश हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पूरे देश से दक्षिण पश्चिम मानसून वापस आ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हिमपात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरांचल में छिटपुट बारिश और हिमपात हो सकता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश की संभावना है। 24 घंटे के बाद उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की। तो अभी के अपडेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखते रहिए UMB न्यूज़।